सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में रेलवे अराजी केस समेत अहम मुकदमा की समाअत चीफ जस्टिस साकिब निसार समाअत करेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद अदालत में पेश। व्हाइट हाउस की गैर कानूनी तामीर का मामला, महकमा एंटी करप्शन ने खोखर बरादरान को तलब कर लिया। मलिक शफी खोखर भी मुकदमे में नामजद। DGLTA ने खोखर पैलेस की गैर कानूनी तामीर का मामला एंटी करप्शन को भिजवाया था। नवाज शरीफ का कोटलकपत जेल में तीसरा रोज, आज अहले खाना से मुलाकात कराई जाएगी। मुलाकात का वक्त सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुकर्रर कर दिया गया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सिर्फ जुमेरात को ही नवाज शरीफ की उनके घर वालों से मुलाकात करवाई जाएगी। लकड़ी जलाकर तंदूर जलाने वालों ने रोटी की कीमत को भी आग लगा दी। तंदूर मालिकान ने रोटी और नान की कीमत में 2 रुपए इजाफा कर दिया। सदर नान बाई एसोसिएशन आफ्ताब गुल कहते हैं कि महंगी LPG और लकड़ी जलाकर सस्ती रोटी फरोख नहीं कर सकते, हुकूमत प्रेशर ठीक कर दे, कीमत कम कर देंगे। बेसहारा परदेसियों को पिक एंड ड्रॉप मिल गई। मुफ्त रिहाइश के बाद पनाहगाह तक जाने के लिए मुफ्त सहूलत की भी सहूलत मुयसर। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार का फ्री ट्रांसपोर्ट का अस्खुद जायजा। वजीर आला का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा बेसहारा लोगों को छत देने की कोशिश कर रहे हैं। और शहर और गिरदोनवा में धुंध ही धुंध, यकबस्ता हवाओं से सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। दर्ज हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया।